हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज एंशिएंट हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज में हम सॉल्व करेंगे मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर से जुड़े हुए कुछ अन्य टॉप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पार्ट टू लिखा हुआ है। हमने ऑलरेडी पार्ट वन डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो आप उस सीरीज को भी देख लेना, जिससे कि आपका मौर्य एम्पायर से जुड़े हुए अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो रिवीजन हो जाए, साथ ही साथ आपके इस चैप्टर से जुड़े हुए जो भी डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, साथ ही साथ आप राइट हैंड साइड पे देखिएगा यहाँ पे ईयर दिया हुआ है और साथ ही साथ किस आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन किया गया हुआ है वो भी आप साथ में देखते हुए चलना, और साथ ही जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते हुए चलना। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्तिशिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राड्यो अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि किस मूर्तिशिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक भी उल्लिखित है। तो ये देखे कहाँ पे, कंगनहल्ली, सांची, सहबाजगढ़ी, सहगोरा। तो देखिए, हमारा आंसर क्या है, कंगनहल्ली। फ्रेंड, कंगनहल्ली जो है वो कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में है और ये भीमा नदी के तट पे है। ध्यान रखिएगा, भीमा नदी के तट पे है ये, और यहीं से हमें जो शिलालेख है यहाँ पे मूर्तिशिल्प शिलालेख में हमें अशोक के प्रस्तर रूप के साथ राजा अशोक भी उल्लिखित है। सांची, अन्य भी विकल्पों के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सहबाजगढ़ी का जो हमें शिलालेख प्राप्त हुआ है वो हमें पाकिस्तान के पेशावर जिले से प्राप्त हुआ है, और जैसा कि हम बात की ऑलरेडी चर्चा किए हुए हैं कि अशोक के 14 शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं जो कि 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे, और जो कि दो ऐसे स्थान से जहां हमें खरोष्ठी लिपि में शिलालेख प्राप्त हुए, एक आपका सहबाजगढ़ी था और दूसरा आपका मानसहरा था। सहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान के पेशावर जिले में, तो और आपका मानसहरा जो कि हजारा जिले में था। बात करें यहाँ पे चौथे विकल्प की, तो सहगोरा अभिलेख जो कि एक ताम्रपत्र पे लिखा हुआ एकमात्र अभिलेख है मौर्य काल का, तो ये हमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुर्जरा लघु शिलालेख, जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है। फ्रेंड, हर शिलालेख पे अशोक के नाम नहीं मिले हैं, किसी शिलालेख पे उसे देव नाम प्रिय, तो किसी शिलालेख में उसे देव नाम प्रियदर्शी जैसा चीज़ें लिखी गई, लेकिन चार ऐसे शिलालेख मिले हैं जहाँ से हमें अशोक के अशोक नाम मिलते हैं। तो वो देखिए, एक आपका गुर्जरा शिलालेख है और अन्य जो थे आपके मास्की हैं, नत्तूर हैं, उदयगुल्लम हैं। तो प्रश्न है कि गुर्जरा लघु जो शिलालेख है वो कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में, मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में, राजस्थान के जयपुर ज़िले में, बिहार के चंपारण ज़िले में। तो हमारा आंसर क्या है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुर्जरा लघु शिलालेख है जहाँ से हमें अशोक के नाम उल्लेख मिले। अन्य जो शिलालेख थे जैसे मास की गुर्जरा, मास की नत्तूर और उदयगोलन, ये कर्नाटक से हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे कुछ अन्य भी जो नाम दिए हुए हैं यहाँ से भी हमें अशोक के शिलालेख मिले हैं, जो कि हमारा आंसर बी था। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से हमें अहरोरा शिलालेख मिले हैं, राजस्थान के जयपुर ज़िले से हमें भाबरू शिलालेख मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, मगध का सम्राट बताने का सिर्फ एकमात्र प्रमाण, हमें एक स्तंभ मिलता है, वो स्तंभ कौन सा है, मास्की का लघु स्तंभ, रुम्बनदेई का स्तंभ, क्विन स्तंभ, भाबरू स्तंभ। तो देखिए, हमारा आंसर क्या है, भाबरू स्तंभ। भाबरू स्तंभ में एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, और ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, ये हमें राजस्थान के जयपुर जिले से प्राप्त हुआ है, और ये इसे भाबरू के साथ साथ इसे बैराट स्तंभ भी कहते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पे देखा जाए तो मास्की लघु स्तंभ लिख जो कि हमें कहाँ से मिला था, कर्नाटक से प्राप्त होता है, इसमें अशोक नाम मिलता है। रुम्बनदेई स्तंभ जो है फ्रेंड, रुम्बनदेई, चूँकि हमारा आंसर यहाँ पे डी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, डी है भाबरू। जो रुम्बनदेई की बात करें फ्रेंड, रुम्बनदेई नेपाल में है, नेपाल के तराई एरिया में, जो कि लुम्बिनी का ही नाम जो है रुम्बनदेई था, यहाँ अशोक गए हुए थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्वीन स्तंभ की अगर बात करें फ्रेंड, इसे रानी का स्तंभ भी कह सकते हैं, और रानी का स्तंभ फ्रेंड, अशोक की कई रानियां थी, लेकिन एक ही रानी थी जिनकी चर्चा हमें अशोक के अभिलेखों स्तंभों में मिलती है, वो उनका नाम क्या था, रानी कारुवकी। ठीक है, रानू कारुवकी। ये अशोक के इलाहाबाद स्तंभ के साथ इनके भी हमें शिलालेख प्राप्त होते हैं, और इसमें उल्लेख है रानी कारुवकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। चूँकि अशोक के जो इलाहाबाद जो स्तंभ लेख की बात करें, तो वो पहले कौशाम्बी स्तंभ में था, और उसको कौशाम्बी से इलाहाबाद लाने का कार्य किसने किया था, जहांगीर ने
अकबर के शासनकाल के दौरान उनको कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया था। कारुवाकी की वहीं पे चलता है जिसे क्वीन स्तंभ कहते हैं, रानी का स्तंभ कहते हैं। और यहाँ पे कारुवाकी और अशोक के पुत्र जो तीवर की भी चर्चा है, ध्यान रखिएगा तीवर कारुवाकी और अशोक के पुत्र थे, उनकी भी हमें इसमें चर्चा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी प्रसिद्ध है। कालसी फ्रेंड एक स्थान है जो कि उत्तराखंड के देहरादून जिले में है। वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध चैत्यों हेतु, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण, गुप्तकालीन मंदिरों हेतु। तो किस लिए प्रसिद्ध है? ये हमें अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। कौन सा? कालसी। कहाँ पे? देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ठीक है, शिलालेख, देखिए रॉक एडिक्ट यहाँ पे बात करें, शिलालेख अशोक का एक शिलालेख था। 14 शिलालेख प्राप्त हुए थे। कितने स्थानों से? 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे। ये सब क्लास में ना हमने एक एक चीज़ के बारे में चर्चा किया है कि किस शिलालेख, 8 स्थान कौन से थे, किस शिलालेख में जो 14 शिलालेख है, प्रत्येक शिलालेख में किस किस बात की चर्चा की गई। क्लास अगर आपने अटेंड किया नहीं, अगर आप कर सकते तो करिए, आपको सारे जो है चीज़ें एक एक पॉइंट क्लियर होंगी। तो वही बात कर रहा है कि जो कलिंग के विजय है और क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में प्राप्त होता है? शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12 या फिर शिलालेख 13। तो हम बात करें अशोक के जो कलिंग विजय थी, उस हमें शिलालेख 13 से प्राप्त होता है। अशोक ने जो कलिंग पे आक्रमण किया था वो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष किया था। इसका राज्याभिषेक देखा जाए तो 269 BC ईस्वी पूर्व में इसका हुआ था। और ये 261 में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और काफ़ी कहा जाता है इसका उस समय इतना, कलिंग पर जब इसने आक्रमण किया तो वहाँ 100,000 लोगों की हत्या हुई थी, युद्ध में मारे गए थे और 150,000 लोगों को बंदी बनाया गया था, जिससे इसका मन काफ़ी ज़्यादा व्यथित, काफ़ी दुखी हो गया था। उसके बाद इसने युद्ध नीति को छोड़कर के इसने धम्म नीति को अपना लिया था। और इन सारी चीज़ों की जो चर्चाएँ मिलती हैं हमें शिलालेख 13 में, 13वें शिलालेख में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें चर्चा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं, उनमें सम्मिलित हैं। संगम राज्य फ्रेंड हमने बात किया, संगम राज्य, 3 संगम राज्य थे। और संगम राज्य कौन से थे? चोल, पांडे और चेर। चेर को फ्रेंड, ये जो केरल वाला क्षेत्र है वो चेर था, इसीलिए वहाँ पे हमें संगम राज्य में जो नाम मिलता है वो केरल पुत्र लिखा रहता है। और दूसरा एक दो राज्यों के और बात की गई थी, जो कि आपका सतीपुत्र था और दूसरा ताम्परडी। ताम्परडी फ्रेंड श्रीलंका को कहा गया था। तो कुल 5 सीमांत राज्यों की चर्चा की गई थी। तो ये किस में किया गया था, किस शिलालेख में किया गया था? शिलालेख 1 और 10 में, शिलालेख 1 और आपके 11 में, शिलालेख 2 और 13 में, शिलालेख 2 और 14 में। किस शिलालेख में बात किया गया था? तो जो संगम राज्यों या सीमांत राज्यों के बारे में बात किया गया, तो क्योंकि फ्रेंड ये जो राज्य थे ये अशोक के यानी कि मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। हमने बात किया था मौर्य साम्राज्य में सुदूर दक्षिण के कुछ क्षेत्र शामिल नहीं थे, जिसमें से कि आपका ये पांडे, चोल और आपके चेर वगैरह शामिल नहीं थे। और उत्तर पूर्व के जो असम वाला क्षेत्र था वहाँ पे ये सारे क्षेत्र जो हैं मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं थे, इसलिए इनको सीमांत राज्य कहा जाता है। तो इन सब की जो चर्चा थी वो हमें अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में हमें इनके बारे में चर्चा मिलती है। ठीक है, दूसरे शिलालेख में ये बोलते हैं कि अपने सीमांत राज्य में चिकित्सक दल भेजने का या फिर मुफ्त औषधालय खुलवाने की ये बात करते हैं। और 13वें शिलालेख में भी ये इनके बारे में चर्चा करते हैं। 13वें शिलालेख में हमने अभी देखा कलिंग युद्ध का भी वर्णन है और 5 यवन राज्यों के भी बारे में बात किया जहाँ अशोक के राजनीतिक संबंध हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयन संबंध थे, कहाँ के शासक थे? फ्रेंड हमें 13वें शिलालेख से 5 यवन शासकों के बारे में पता चलता है जिससे कि अशोक के राजनयन संबंध थे। उन्हीं 5 में से एक शासक है कहीं का, जो कि किसी जिसका नाम है टॉलमी फिलाडेल्फस, जिन्हें हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं तुर्मेयम। ठीक है, तुर्मेयम नाम से भी इनको जानते हैं, तुर्माय भी कह सकते हैं आप इनको। ठीक है, ये कहाँ के शासक थे? साइरोन के थे, मिस्र के थे, मकदूनिया के थे, सीरिया के थे। तो फ्रेंड ये थे टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय, जो कि आपके मिस्र के शासक थे। और साइरीन की बात करें फ्रेंड, साइरोन के जो शासक थे उनका नाम मग था। मकदूनिया के जो शासक थे फ्रेंड, मकदूनिया के शासक का नाम अगर देखें, जिसको हम मैसेडोनिया भी कहते हैं, वहाँ के शासक जो थे अंतकिन थे। ठीक है, अंतकिन थे। सीरिया के शासक फ्रेंड अंतियोक थे। ठीक है, अंतियोक जो सीरिया यानी कि
साइरोन के शासक मग थे, मकदूनिया जिसे मैसिडोनिया भी कहते थे वहाँ के शासक अंतकिनी थे, और सीरिया के शासक आपके अंतियोक थे, और मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस थे जिनको हम तुरमय के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अशोक का समकालीन अंतियोक कहाँ का राजा था? देखिए वही आ गया, मिस्र का, कोरिथिन का, मैसिडोनिया का, फिर सीरिया का। तो अंतियोक जो था वो कहाँ का शासक था? आपका सीरिया का शासक था, और मैसिडोनिया का शासक कौन था फ्रेंड? आपका अंतकिन था, ठीक है। और मिस्र का शासक टॉलमी फिलाडेल्फस जिसे तुरमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो इन सारे जो पांच यमन जो राज्यों की बात की गई ना, वो भी किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जा कर के ना हम उसको डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। इसलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा फिर भी हिंट करते हुए चले जाते हैं, लेकिन अगर आप क्लास करोगे तो इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ नए इन्फॉर्मेशन भी आपको पता चलेगी, जिसकी संभावना है कि आने वाले एग्जाम में वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कौन सा शिलालेख है जिससे हमें ये पता चलता है कि अशोक के द्वारा पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाए जाने क्या, या ऐसा लगता है कि यह पाबंदी जो है पशुओं के वध पर थी। ये किस शिलालेख में? शिलालेख एक, स्तंभ अभिलेख पाँच, शिलालेख नौ, या फिर शिलालेख आपका 11। तो देखिए हमारा आंसर क्या है, स्तंभ शिलालेख जो अभिलेख है वो है आपका 5वां। फ्रेंड वैसे तो अशोक ने अपने जो अभिलेख है, अभिलेख एक में भी इस बात की चर्चा किया है कि पशु बलि पर रोक लगाने की बात की, लेकिन फिर भी वहाँ पे पूर्णतः जो है पशु बलि पर रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन जब आप स्तंभ लेख या फिर शिलालेख इनका 5वां पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये जो परंपराएं, ये जो ये किया जाता ना धार्मिक अवसर वगैरह पे पशु बलि चढ़ाई जाती थी, इन सारी चीज़ों को पूर्णतः जो रोक लगाई जाती है वो इसी में लगाई जाती है, अशोक के जो शिलालेख 5 हैं। इसीलिए हम 5 को लेकर के चलते हैं, चूँकि शिलालेख 1 में भी बात किया जाता है कि पशु बलि पे रोक लगाई जाती है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अशोक के पाक जो शाला रहती, जहाँ खाना जो रसोईया रहती है, वहाँ पे फिर भी अभी 2 मोर और 1 मृग पकाए जाते हैं, और जो कि भविष्य में आने वाले दिनों में उनको रोक लगाई जाएगी। तो ये पूर्णतः जो है रोक नहीं लगा था, लेकिन पूरी तरह से अगर रोक जो लगा रहा है वो अशोक का जो स्तंभ लेख है, अभिलेख है, वो 5वां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? समझ में आ रहा है, एक मौर्यकालीन ऐसा अभिलेख है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। प्राचीनतम डेट मीन्स मौर्य साम्राज्य से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर ये बात करें, अगर संकटकालीन, अगर अकाल पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसी स्थिति में आपको अपने ऐसी स्थिति में जो खाद्यान्न को हम सुरक्षित रखते हैं उस बारे में किस अभिलेख में चर्चा है वो देखें। सहगोरा ताम्रपत्र, अशोक का रुम्मंद स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्र का महरौली स्तंभ शिलालेख, तो बताइए किस में है? ये है हमारा सहगोरा ताम्रपत्र। सहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त है, वहाँ से हमें ये इस बात का प्रमाण मिलता है कि खाद्यान्न को संकट काल में सुरक्षित रखने हेतु जो हमें प्राचीनतम शाही आदेश मिलता है वो यहीं से प्राप्त होता है। एक अन्य भी था, स्याता अभिलेख था, वो क्या था आपका? महाअस्थान, ठीक है फ्रेंड। महाअस्थान की बात करें फ्रेंड, जो कि जिसे हम पुंड्रनगर के भी नाम से जानते हैं महाअस्थान, और ये जो महाअस्थान था वो आपका बोगरा जिले में था। बोगरा जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, ठीक है, उस समय बंगाल में था लेकिन वर्तमान बांग्लादेश में है। तो इन दो अभिलेखों से, अभिलेखों से हमें पता चलता है कि वहाँ पे संकट काल में जो खाद्यों को सुरक्षित रखने के बारे में जो हमें चीज़ें पता चलती है वो हमें सहगोरा अभिलेख से, और दूसरा महास्थान से। सहगोरा जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है, और महास्थान जो कि बोगरा जिले से है, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, ठीक है। और सहगोरा की बात करें तो ये संपूर्ण मौर्य काल में एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो ताम्र पत्र पे लिखा गया है, ठीक है। संपूर्ण मौर्य काल के दौरान जो एकमात्र अभिलेख सहगोरा अभिलेख है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण है।
अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। ठीक है, हमने देखा कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और आक्रमण करके मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कारण क्या था कलिंग पर आक्रमण करने का? कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। तो देखिए यहाँ पे कारण जो है, कथन और कारण दोनों ही सही है, यानी कि हमारा आंसर जो है ए है, क्योंकि अशोक ने उसको जोड़ा और कारण ये था कि कलिंग जो था, कलिंग पे अगर आपने अधिकार कर लिया तो आपने दक्षिण भारत में क्या था, दक्षिण भारत में तो आपका प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा, स्थल और जलमार्ग दोनों से ही आप अपना दक्षिण भारत को नियंत्रित कर सकोगे। तो यहाँ पे कथन और कारण जो है दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया। दूसरा कारण देखिए, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो देखा जाए हमारा अगर आंसर है तो आंसर जो है हमारा जो है वो है आपका सी। ठीक है, सी है, सी कहता है कि भू अनुदान के विद्रोह, कृषकों ने विद्रोह किया। देखिए मौर्य काल के शासकों के द्वारा किसी भी तरह कोई भी धार्मिक आधार पर भू अनुदान देने के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते। और रही बात धार्मिक आधार पर भू अनुदान देने की जो प्रथा प्रारंभ की थी वो सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया था। सातवाहन जो कि मौर्य उत्तर काल में रहते हैं उन्हीं के द्वारा पहले, सबसे पहले जो है वेतन के रूप में या फिर धार्मिक आधार में क्या करते हैं, भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई जाती है। इसलिए हमारा ये पहला गलत है, पहला जो कि सही है, क्योंकि ऐसा कोई भी मौर्यकालीन शासकों द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया गया था और भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने किसी भी तरह का विद्रोह नहीं किया था, ये हमारा आंसर। इसलिए हमारा आंसर क्या है, सी। प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? फ्रेंड जैसा कि हमने बात किया तो यूनानी राजपूत, ये यहाँ पे फ्रेंड राजदूत होगा ना कि राजपूत होगा, ठीक है, राजदूत है ये ध्यान रखिएगा, ये राजदूत है। तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हमने ऑलरेडी बात किया है जो मेगस्थनीज था वो आपका सेलुकस निकेटर जो कि सीरिया का शासक था उस समय, और उसका उसी का राजदूत था मेगस्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था 305 ईस्वी पूर्व से लेकर के 299 ईस्वी पूर्व के बीच में ये राजदूत रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और यहाँ से आने के पहले ये देखा जाए तो आराकोशिया के जो क्षत्रप शासक थे उनके दरबार में ये राजदूत था। तो अगर प्रश्न आपसे आए कि मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने से पहले कहाँ का राजदूत था, तो आराकोशिया का जो शासक था, आराकोशिया के क्षत्रप शासकों के यहाँ पे ये राजदूत था। उसके बाद ये यहाँ पे आता है किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और चंद्रगुप्त मौर्य के फिर मेगस्थनीज के जाने के बाद कौन आता है 298 में देखा जाए तो कौन था, सीरिया के शासक के था, बताइए, डायकोशियस था ना, डायकोशियस, हमने इसके बारे में बात किया था, ठीक है, उसका भी हमें कमेंट बॉक्स में आंसर रखिए कि मेगस्थनीज के बाद जो था कौन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? फ्रेंड मेगस्थनीज की बात करें तो मेगस्थनीज जो था उसने यहाँ का अपनी पुस्तक इंडिका में यहाँ के भारतीय समाज के बारे में जो कुछ उसने देखा सुना, क्योंकि मेगस्थनीज की जो इंडिका है वह अपने मूल रूप में वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, उसकी पुस्तकों को जिन जिन विद्वानों द्वारा पढ़ा गया था उन्हीं के द्वारा जो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन लिखी गई थी उन्हीं को एक जगह संकलित करके हम इंडिका को पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मूल रूप अभी इंडिका का हमें हमारे सामने नहीं उपलब्ध है। लेकिन मेगस्थनीज ने जिन भिन बातों के बारे में उसने लिखा इंडिका में, तो उसने एक बात किया कि भारतीय समाज जो कि कितने श्रेणियों में विभाजित है, तो कितने श्रेणियों में, 4, 5, 6, 7, तो बताइए कितने श्रेणियों में, तो ये बताता है कि यहाँ पे जो भारतीय समाज है वो 7 श्रेणियों में विभाजित है। कौन कौन सी वो श्रेणियाँ थी फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, साथ में अपना एक पेन भी लिखा करो, साथ में कॉपी लेके, ताकि जो भी कुछ अलग से मैं पॉइंट बता रही हूँ उसको भी लिखते हुए चलो। तो देखिए, दार्शनिक था, कृषक था, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, फिर कारीगर, और उसके बाद बात करें तो योद्धा, निरीक्षक और फिर मंत्री, ये 7 श्रेणियों के बारे में ये चर्चा करता है, ठीक है, कौन, मेगस्थनीज, ठीक है, अपनी पुस्तक ए भारतीय समाज के बारे में लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उन्हीं से जुड़ा हुआ कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? ये हमें कुछ स्रोत दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है कि किस में ऐसा लिखा गया है, किस विद्वान के द्वारा ऐसा लिखा गया है, किस लेखक के द्वारा ऐसा लिखा गया है कि भारत में जो है दासता नहीं थी? क्या नहीं, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगस्थनीज की इंडिका, वायुपुराण? तो देखिए हमारा आंसर क्या है, मेगस्थनीज की इंडिका। फ्रेंड मेगस्थनीज जब भारत में आता है, भारत से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों की जो बातें वो लिखता है, जो वर्णन लिखता है वो अपनी पुस्तक इंडिका में लिखता है, ठीक है। तो चूँकि
उसे भारत में जब वो आता है तो उसे लगता है कि भारत में दासता नहीं थी। और चूंकि अगर आप अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य द्वारा जो लिखी, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी उसमें उन्होंने नौ प्रकार के दासों की चर्चा किया है और बोला है कि जो ये दास थे बहुत बड़े पैमाने पर दासों को कृषि कार्यों में लगाया जाता था। और भी बात करें तो मनुस्मृति ने भी लगभग 13 से या फिर 15 लगभग जो थे दासों की चर्चा किया था मनुस्मृति में। फिर जब मेगस्थनीज आता है इंडिया तो उसे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे दासता नहीं थी या फिर यहाँ दास जैसी कोई, क्योंकि ये देखिए यूनान से आया था, यूनान में जो दासों की स्थिति थी ना वो बड़ी मतलब असंतोषजनक थी, बड़ी दयनीय थी, अमानवीय तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। लेकिन जब ये भारत आता है, चूँकि भारत में दासता थी, दासता प्रथा जो कि प्रचलित थी, यहाँ पर भी दास हुआ करते थे जैसा कि अर्थशास्त्र में बताया गया था, 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पे जो दासों के साथ जो व्यवहार किया जाता था उनकी स्थिति जो थी वो काफ़ी संतोषजनक हुआ करती थी, उनके साथ काफ़ी मानवीय तरीके से व्यवहार किया जाता था, इवन उनको अपने घर में उनके साथ सदस्यों की तरह, वो सदस्यों की तरह, घर के सदस्यों की तरह वो रहा करते थे। और इतना ही नहीं फ्रेंड, वो जो थे जो दास थे वो संपत्ति को रख सकते थे, संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकते थे। तो ये सब जब मेगस्थनीज जब देखता है तो उसको लगता है कि दास तो ऐसे नहीं रहे होंगे, क्योंकि दास जहाँ से वो देख के आया था वहाँ के दासों की स्थिति असंतोषजनक थी। तो ठीक है, इसलिए जो हमें भारत में दासता नहीं है वो किसने लिखा था? मेगस्थनीज ने। देखिए मुद्रा राक्षस है, ये आपके बशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस है, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? फ्रेंड मौर्य काल में टैक्स चोरी के लिए ना बड़ा ही कड़ा दंड दिया जाता था। ठीक है, तो बात करें तो मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड, सामानों की कुर्की, जब्ती या फिर कारावास कर दिया जाता था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखें बहुत ही सख्त दंड था, सजाए मौत। ठीक है, अगर आपने टैक्स चुराया तो सजाए मौत, यानी कि आपको मृत्युदंड मिलेगा। ठीक है, ये देखा जाए जब मेगस्थनीज आता है भारत में तो उसने देखें कुछ चर्चाएं किया था भारत के शासन प्रशासन के बारे में, उसने कुछ चर्चाएं किया था। इसी दौरान उसने बात किया था कि जो यहाँ का प्रशासन है वो 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता है और 6 प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य हुआ करते थे, यानी कि टोटल कितने सदस्यों के द्वारा नगर का प्रशासन? 30 सदस्यों के द्वारा मौर्य प्रशासन या फिर नगरों का प्रशासन चलाया जाता था। बात करें समितियों की तो जो प्रत्येक समिति थी वो प्रत्येक समितियों का कार्य जो था, प्रत्येक समितियों का अपना अपना कार्य निर्धारण किया गया था। तो जो 6वीं समिति थी फ्रेंड वो क्या करती थी? बिक्री कर वगैरह का या कर से संबंधित जितने भी निर्णय वगैरह या कर से संबंधित जो भी सारे विवाद वाद विवाद सारे सुलझाए कौन करता था? 6वीं समिति। तो जो 6वीं समिति थी वो बिक्री कर का 1/10 भाग कर के रूप में वसूल किया करती थी और अगर जिसने कर नहीं दिया तो उसको क्या मिलता था? मृत्युदंड। तो ये समितियां ध्यान रखिएगा 6 समिति होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया हुआ है? तो देखिए वही सेम जैसे अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया, तो दिव्यावदान में, अर्थशास्त्र में, इंडिका में, अशोक के शिलालेख में। तो देखिए अशोक के जो पाटलिपुत्र का प्रशासन का जो वर्णन किया गया है वह मेगस्थनीज की इंडिका में किया गया है। मेगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन, पाटलिपुत्र को उन्होंने पोलिब्रोथा के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, पोलिब्रोथा। और यहाँ पे वही बताते हैं कि 6 समितियों के द्वारा प्रशासन चलाया जाता है और जो ये जो प्रशासन चलाया जाता था 6 समितियों के द्वारा, प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और जो नगर का अधिकारी हुआ करता था उसको एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था। ठीक है, एस्ट्रोनोमोई, ये ऐसा कौन लिखता है? आपका मेगस्थनीज के इंडिका में मेगस्थनीज ने इन सब बातों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? फ्रेंड नगर पालिका का प्रशासन का कौन सा कार्य जो है वो मौर्य काल से जारी है? नाप तोल के बाटों का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमतों के निर्धारित करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, शिल्पकारों का संरक्षण। तो देखिए जो आज भी जो मौर्य काल से जो कार्य चल रहा था उसका आज भी जो अभी तक जारी है वो है जन्म एवं मृत्युकरण का पंजीकरण। ठीक है, बात करें जन्म एवं मृत्युकरण का पंजीकरण या फिर जनसंख्या, इसको जनगणना का भी कहते हैं, जनगणना जो होती थी फ्रेंड वो 3री समिति के द्वारा की जाती थी। चूँकि हमने देखा 6 समितियाँ थी उसमें 3री समिति का कार्य क्या होता था? वो जनगणना आधारित कार्य को करती थी और इसका जो ये नगर पालिका का जो ये जो प्रशासन वगैरह था और इसका जो प्रमुख होता था उसका जो नाम हुआ करता था, उसके जो नाम की बात करें तो उसको नागरक कहा जाता था। ठीक है, नागरक,
नागरक कहा जाता था, जो नगर पालिका प्रशासन का जो प्रमुख हुआ करता था, और तीसरी समिति का ये कार्य हुआ था का क्या है, जन्म एवं मृत्यु संबंधी जो पंजीकरण या फिर जनगणना संबंधी जो कार्य करता था वो तीसरी समिति के द्वारा किया जाता था। ये सब मेगास्थनीज के इंडिका में सब ये सब लिखा गया है, और आज भी देखिए आज भी वर्तमान में नगर पालिका के द्वारा जो है जनगणना आधारित जितने भी कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था, ठीक है। ये कह रहा है कि मौर्य नरेशों के द्वारा कुछ कार्य किए गए थे, तो वो कौन कौन से कार्य किए गए थे वो हमें देखना है। तो देखा जाए संस्कृत कला व साहित्य के विकास, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू पुस्तक साम्राज्य। तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा केवल 1, 3 और 4। सोने के सिक्कों की बात करें फ्रेंड, तो ये सोने के जो हिंद यवन शासक आते हैं, जब हम मौर्योत्तर काल में देखेंगे और बाहरी आक्रमण होता है, तो हिंद यवन शासकों के द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन किया जाता है। बाकी अगर मौर्यों की बात करें तो संस्कृत कला और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विकास किया। प्रांतीय विभाजन फ्रेंड, मौर्य काल में जो प्रांतों का विभाजन था, 5 प्रांतों का विभाजन था, जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांतों को देखते हैं, और जब अशोक के समय कलिंग विजय किया जाता है तो प्रांतों की संख्या कितनी हो जाती है, 5 प्रांतों की संख्या हो जाती है। और चौथा देखा जाए हिंदू कुश तक साम्राज्य इनका फैला हुआ था, चूँकि हम देखते हैं पूर्व पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, उत्तर में आप हिमालय श्रेणियों से लेकर के दक्षिण में मैसूर से आपका मैसूर तक का जो है मौर्य साम्राज्य जो है वो फैला होता था, ठीक है। प्रांतीय विभाजन की बात करें फ्रेंड, तो 5 प्रांत थे, आपका उत्तरापथ था, उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणपथ था, दक्षिणपथ की राजधानी फ्रेंड सुवर्णगिरी थी, सुवर्णगिरी, ठीक है। और आपका बात करें जैसे पूर्वी वाला जो क्षेत्र था जिसको हम पूर्वी प्रदेश या प्राच्य प्रदेश कहते थे, तो उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और आपका पश्चिमी प्रांत हुआ करता था जो कि अवंती वाला क्षेत्र था, उसकी राजधानी आपकी उज्जैन हुआ करती थी। और जब इन्होंने कलिंग विजय किया तो कलिंग की जो राजधानी हुआ करती थी वो आपकी तोसाली थी, तो 5वें प्रांत की राजधानी तोसाली हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। भाग एवं बलि थे, क्या थे भाग एवं बलि, सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासकीय या प्रशासकीय विभाग। तो जब भाग एवं बलि हुआ करते थे वो राजस्व के स्रोत हुआ करते थे, ठीक है। भाग जो होता था वो निजी भूमि से जो प्राप्त आय होती थी, या फिर जो कृषि जो कृषक थे जो अपनी निजी भूमि पे जो कृषि करते थे उनसे जो कर दिया जाता था उसको भाग कहा जाता था। और बलि की बात करें फ्रेंड, तो बलि भी एक प्रकार का क्या हुआ करता था, बलि भी एक प्रकार का भू राजस्व कर हुआ करता था। और फ्रेंड अगर बात करें इन दोनों करों की जो चर्चा की गई है वो कहाँ पर की गई है, तो अशोक के रुम्बंद अभिलेख में इन दोनों ही करों की चर्चा की गई है, भाग एवं बलि की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो ठीक है, भूमि कर जो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था, किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था, बताएं जल्दी से आंसर बताइए। तो देखिए इसको जो बात करें तो ये हमें सीता अध्यक्ष के द्वारा जो है ये भूमि कर जो है एकत्रित किया जाता था। फ्रेंड अगर सीता की बात करें, सीता क्या था, तो सीता जो है ना, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उल्लेख करते हैं, जो सीता वो भाग होता है जो अगर कृषि के द्वारा जो वस्तु का उत्पादन किया जाता है, या फिर कहते हैं जो हल के माध्यम से जो जोत करके ये जो उत्पादन किया जाता है उसी उत्पाद को क्या कहा जाता था, सीता। यानी कि कृषि क्षेत्र में आपने जो कुछ भी उत्पादन किया और उस क्षेत्र से जो आप आय प्राप्त कर रहे हैं उसी को सीता कहा जाता है, और उसको कौन एकत्र करेगा, उस कार्य को कौन करेगा, वो सीता अध्यक्ष करेगा, ठीक है। कौन करेगा, सीता अध्यक्ष करेगा। सीता अध्यक्ष यानी कि राज्य की कृषि विभाग का अध्यक्ष भी आप कह सकते हो, राज्य की कृषि विभाग का अध्यक्ष। अन्य की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखें अग्रोनोमोई जो है वो आप बात करें तो सड़क और भवन निर्माण से संबंधित जो कार्य करते थे, या सड़क या भवन निर्माण के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो अग्रोनोमोई होते थे। सुल्का अध्यक्ष फ्रेंड जो चुंगी कर जो एकत्रित करते थे वो कौन थे, सुल्का अध्यक्ष। अकरा अध्यक्ष फ्रेंड, अकरा जो खानों के अध्यक्ष हुआ करते थे वो कौन थे, अकरा अध्यक्ष हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने में संबंधित था, ठीक है। राजस्व को इकट्ठा कौन करता था, समाहर्ता, व्यवहारिका, अंतपाल, प्रतिष्ठा। तो बात करें जो राजस्व मौर्य मंत्री परिषद में जो राजस्व इकट्ठा करता था वो करता था समाहर्ता।
समाहर्ता नामक जो अधिकारी था वो राज्य से पूरे एकत्र करता था आय और व्यय का पूरा वो ब्यौरा रखता था, और साथ ही साथ क्या करता था, राज्य से एकत्रित करने के साथ आय और व्यय का पूरी तरीके से, एक तरीके से वर्तमान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आप उनसे इनकी तुलना कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बात करें अंतपाल, अंतपाल फ्रेंड जो है वो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था, सीमावर्ती, ठीक है, अंत, अंत से ऐसे लॉजिक लगाई, अंत मतलब आखिरी, पाल मतलब रक्षा करने वाला, सीमावर्ती मतलब जो राज्य की सीमा के बिल्कुल आखिरी में जो क्षेत्र होगा उनकी जो रक्षा करेगा वो कौन करेगा, अंतपाल, ठीक है। अन्य जो है, अन्य जो विकल्प दिए उनको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन मौर्योगीन अधिकारी तोल मान का प्रभारी था या माप तोल का प्रभारी था, पोताध्यक्ष, पोतोध्यक्ष, प्रणयाध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, सूना अध्यक्ष। तो देखिए नाप तोल का जो अधिकारी जो प्रभारी हुआ करता था वो कौन था, पोतवा अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष के द्वारा जो था ये तोल माल जैसे कार्य जो थे या फिर नाप तोल से संबंधित जो कार्य किए जाते थे वो पोतवा अध्यक्ष के साथ किए जाते थे। और आपके प्रणयाध्यक्ष की बात अगर किया जाए, प्रणयाध्यक्ष के, तो ये व्यापार और वाणिज्य के संबंधित जो अधिकारी थे उन्हीं को हम प्रणयाध्यक्ष, या व्यापार या वाणिज्य संबंधित जो कार्य करते थे वो कौन, किसकी अध्यक्षता में, प्रणयाध्यक्ष। सीताध्यक्ष के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया, जो राज्य की कृषि विभाग का प्रमुख होता था वो सीताध्यक्ष होता था। सूनाध्यक्ष की बात करें फ्रेंड, जो सूनाध्यक्ष हुआ करता था वो कौन था, आपका बूचर खाने का जो प्रमुख होता था वो पे क्या, उनको क्या कहा जाता था, आपका सूना अध्यक्ष। तो हमारा आंसर क्या हो गया, नाप तोल का जो प्रभारी था वो पोतवा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पंकोद सनिरोधे, ठीक है, पंकोद सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, क्या था, पीने के पानी को गंदा करने पर एक जुर्माना था, एक प्रकार का ये कर था फ्रेंड, पंकोद सनिरोधे एक प्रकार का ये कर होता था। ये कर कब लिया जाता था, जब आप पानी को गंदा कर रहे हो तब लेने पर, जो पीने का पानी को गंदा करने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, कूड़ा फेंकने पर, मंदिरों को गंदा करने पर। तो देखिए देखिए क्वेश्चन से ही आप चीज़ों को पकड़ लिया करें, पंक मतलब क्या होता है, कीचड़, ठीक है, पंक, पंक सनिरोधे मतलब पंक, कीचड़ को फैलाने से रोकने के लिए कर लगाया जा रहा है। तो देखिए हमें क्वेश्चन से तो आंसर मिल गया कि सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, अगर आपने सड़क पर कीचड़ वगैरह फैलाया, आपने गंदी की है, तो आपसे कर लिया जाएगा जिसका नाम क्या है, पंकोद सनिरोधे, ठीक है, ये मौर्य प्रशासन के कर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, केंद्र वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो देखा जाए हमारे मौर्य काल से शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वो था आपका तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। और तक्षशिला की बात करें फ्रेंड, ये उस विश्व का पहला जो है प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है, और ये तक्षशिला जो था उस समय हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का केंद्र था। और तक्षशिला में ही देखा जाए तो चाणक्य ने शिक्षा भी ग्रहण की थी, और साथ ही साथ वहाँ पे शिक्षक भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण किया था। और फ्रेंड तक्षशिला से संबंधित एक और भी प्रश्न आता है कि तक्षशिला से क्या ये शिक्षा का केंद्र था या फिर अन्य, तो फ्रेंड शिक्षा के साथ साथ ये व्यापार का भी केंद्र हुआ करता था, क्या, तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। या वैशाली आपका गुजरात में, नालंदा आपका बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से न्यायालय अस्तित्व में थे। फ्रेंड कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम देखेंगे बहुत सारी व्यवस्थाओं के बारे में बात की गई है, ठीक है, तो उसी में मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया है। तो कौन दो तरह, एक बात करें कि यहाँ पे न्यायालय अस्तित्व में थे, कौन कौन से न्यायालय, धर्म महामात्र, धर्मस्थनीय, रज्जु, कंटक शोधन। तो हमारा जो आंसर, देखिए हमारा आंसर क्या है, 2 और 4, यानी कि धर्मस्थनी और कंठक शोधन। फ्रेंड जैसा कि वर्तमान में भी हमें दो तरह के न्यायालय दिखते हैं, दीवानी न्यायालय और आपका फौजदारी न्यायालय। दीवानी न्यायालय की बात करें तो उस समय दीवानी न्यायालय को आप धर्मस्थनी न्यायालय कहते थे, जिसका प्रमुख देखिए कौन हुआ करता था, व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक, व्यवहारिक जो था वो दीवानी न्यायालय का प्रमुख हुआ करता था। और कंठक शोधन न्यायालय जो कि वर्तमान के फौजदारी न्यायालय, ठीक है, फौजदारी न्यायालय को उस समय कंठक शोधन न्यायालय कहते थे, जिसका प्रमुख कौन होता था, प्रदेष्ठा, ठीक है, प्रदेष्ठा जो था वो प्रमुख न्यायाधीश होता था। तो दो तरह के न्यायालयों की चर्चा की गई थी मौर्य कालान में, आपका धर्मस्थनी न्यायालय जो कि दीवानी न्यायालय जिसका प्रमुख कौन है, व्यवहारिक, और आपका कंठक शोधन न्यायालय जो कि फौजदारी न्यायालय जिसका प्रमुख कौन है, प्रदेष्ठा। तो ये हमें दो तरह के न्यायालयों की बात होती है, कहाँ पे, मौर्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के
सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ठीक है, इनके जो किसका व्यवसाय था, श्रमण का, परिवारजक का, अग्रहारिक का या फिर मागध का? तो देखिए हमारा आंसर क्या है, मागध जो थे इनका व्यवसाय हुआ करता था क्या, इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ कराना, ये इनका व्यवसाय होता, किनका, मागध का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? जो स्वायत्त शासी जो पंचायतों के माध्यम से जो हम आज भी देखने को मिलता है, वो हमें किसके द्वारा, ऐसी व्यवस्थाओं का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, किन शासकों के द्वारा किया गया था? कुषाणों के द्वारा, द्रविड़ों द्वारा, आर्यों द्वारा या फिर मौर्यों द्वारा? तो देखिए हमारा आंसर क्या है, मौर्यों के द्वारा गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायती व्यवस्था के द्वारा संचालित करने का सूत्रपात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त की पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अगर किसी के पति ने उस अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, या फिर पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की, वो विवाह से मतलब पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, किसके द्वारा, कामसूत्र के द्वारा, मानव धर्म शास्त्र द्वारा, शुक्र नीति सार द्वारा, अर्थशास्त्र द्वारा? अर्थशास्त्र में, तो ये देखिए अनुमति जो दी गई, विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, वो दी गई है अर्थशास्त्र में। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अगर पति ने पत्नी को छोड़ दिया तो पत्नी जो है उससे तलाक ले सकती है, विवाह विच्छेद कर सकती है, ये किसके में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? बहुत ध्यान से देखिएगा, पुनर्विवाह बहुत बारीकी वाला क्वेश्चन है, तो आज से एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो पुनर्विवाह किसमें वर्जित किया गया, जातक में? जातक फ्रेंड क्या था, जो बुद्ध जी की जो पुनर्जन्म की कहानियों को जातक कहा जाता है, मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य में या फिर अर्थशास्त्र? फ्रेंड अर्थशास्त्र में तो हमने जस्ट देखा पुनर्विवाह का, वहां तो विवाह विच्छेद की अनुमति थी, आप पुनर्विवाह भी कर सकते थे, परंतु मनुस्मृति में देखा जाए तो पुनर्विवाह वर्जित है। लेकिन ये पुनर्विवाह वर्जित किसके लिए, मात्र स्त्रियों के लिए। अगर मान लीजिए आपके अगर जो पति है, अगर उसकी पत्नी मर गई हो, या फिर वो व्यभिचारिता जैसे कोई केस है, तो उसमें क्या है, जो पति जो अपनी पत्नी का परित्याग कर सकता है, उसको छोड़ सकता है, या फिर अगर वो पत्नी उसकी मर गई है तो वो पुनर्विवाह कर सकता है। परंतु अगर इसका उलट दिया जाए कि एक पत्नी का अगर पति मर गया है, या फिर वो किसी तरह उसका वो दोनों अलग हो गए हैं, तो पत्नी जो है वो स्त्री है, उसको पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं है, उसके लिए पुनर्विवाह जैसी चीज़ें वर्जित की गई हैं। किसमें ये बात किया गया है, मनुस्मृति में इस बात की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर, जो विदेशी आया करते थे मौर्य साम्राज्य, उसमें जो कि मनु के द्वारा कौन सा सामाजिक स्तर दिया गया है, कौन सा है, वो क्षत्रियों का, वात्र क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का? तो यहाँ बात करें कि मनु द्वारा जो विदेशियों को भारतीय समाज में जो सामाजिक स्तर दिया गया वो है वात्र क्षत्रियों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, हमने देखा भारत में लगातार यात्री आया करते थे, तो देखिए हमें इसमें पूछ रहा है कि उनका कालक्रम, तो उनके आगमन का सही कालानुक्रम हमें बताना है। तो देखा जाए, देखिए फाहियान, इत्सिंग, मेगस्थनीज, वेनसांग, हम डायरेक्ट आंसर पे अगर चलते हैं तो देखिए हमारा आंसर क्या है। देखिए सबसे पहले मेगस्थनीज आया था, ठीक है, तो मेगस्थनीज आया था तो डी, सी और डी हमने एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेशन मेथड भी सीखा करिए। अब बात करें, देखिए यहाँ पे श्री मेगस्थनीज जो था, हम देख रहे हैं कि मेगस्थनीज कब आया था भारत में, 305 से लेकर के देखा जाए तो 299 के बीच में वो भारत में रहता है, इस भी पूर्व। ठीक है, तो मेगस्थनीज के बाद जो आएगा वो कौन था आपका, फाहियान। ठीक है फ्रेंड, फाहियान की अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, मेगस्थनीज के बाद पहले मेगस्थनीज फिर फाहियान। फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, और फाहियान का जो समय देखें तो 399 से लेकर के 414 के बीच में फाहियान जो था भारत में रहा था। फाहियान की अगर बात करें फ्रेंड, देखिए इन यात्रियों से जुड़े हुए कुछ संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपकी चर्चा कर लूँ मैं यहाँ पे। तो फाहियान जैसे कि यात्री आए थे तो इनसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कब आए थे, किसके शासनकाल के दौरान आए थे, और एक और प्रश्न पूछा था इनका मार्ग, जो इन्होंने मार्ग अनुसरण किया भारत आने का, और किस मार्ग से ये वापस गए ये पूछता है। तो फाहियान की बात करें तो 399 से लेकर के आपका 399 से लेकर के 1414 के बीच में ये भारत आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जो कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये भारत आए थे। और फाहियान जो था, जिसे हम यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहते हैं, और इनकी जो
यात्रा अनुसरण जो बात करें तो ये देखा जाए अस्थल मार्ग से आए थे और जल मार्ग से ये वापस गए थे। अस्थल मार्ग से आए थे और जल मार्ग से ही वापस गए थे। और फाहियान की देखिए जो पुस्तक का नाम है वो क्या है, फो क्योंकि, ठीक है, फो क्योंकि इनके पुस्तक का नाम है। ये सब लिखते जा करिए, मैंने बोला ना पेन और नोट लिख के साथ में बैठा करिए, जो मैं की बाकी तो मैं इस चैप्टर से जुड़े हुए जब हम चर्चा किए थे तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें बताएंगे, क्लास में भी बताएं, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा फाहियान की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था, फो क्योंकि, और ये अस्थल मार्ग से आए थे और जल मार्ग से गए थे। और फाहियान को क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार। फाहियान के बाद देखा जाए तो वेंगसोंग आए थे, वेंगसोंग जो कि हर्षवर्धन के समय में आए थे और इनका समय देखिए क्या है, 269 से लेकर के 245 के बीच में वेंगसोंग जो थे वो भारत आए थे। इनकी देखिए पुस्तक का नाम क्या है, इनके पुस्तक का नाम है सी यू की इनके पुस्तक का नाम है। और ये स्थल मार्ग से आए थे और ये देखा जाए और ये जल मार्ग से क्या किए थे, ये वापस गए थे, ठीक है, सॉरी जो वेंगसोंग थे वो स्थल मार्ग से आए थे और स्थल मार्ग से ही वापस गए थे। और फाहियान जो आए थे स्थल मार्ग से आए थे और जल मार्ग से वापस गए थे। और वेंगसोंग स्थल मार्ग से आए थे और जल मार्ग से वापस गए थे। अंत में देखिए इप्सिंग है, इप्सिंग जो भारत में आया था वो 671 ईस्वी से लेकर के 93 ईस्वी के बीच में ये आए हुए थे और ये जल मार्ग से ही आए थे और जल मार्ग से ही ये वापस गए थे। फ्रेंड वेंगसोंग जो थे, सॉरी फाहियान के बाद जो वेंगसोंग आते हैं, वेंगसोंग जो थे वो भारत में लगभग 16 वर्ष रहे थे और इस 16 वर्ष के दौरान ये 6 वर्षों में इन्होंने नालंदा की शिक्षा ग्रहण की थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो बात करें पहले मेगास्थनीज, फिर आपका फाहियान, फिर वेंगसोंग, फिर इप्सिंग, यानी कि आंसर आपका क्या हो गया, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची वन को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए एक तरफ शासकों के नाम दिए गए और उनको किन अन्य नामों से संबोधित किया जाता है, हमें वो सूची को मिलाना है। एक तरफ देखिए चंद्रगुप्त, दूसरे बिंदुसार, फिर तीसरे अशोक, फिर चौथे आपके चाणक्य। इधर देखिए प्रियदर्शी, सेंड्रोक्रोटस, अमित्रकहन या विष्णुगुप्त। देखिए चंद्रगुप्त ऑलरेडी हमने चर्चा किया, चंद्रगुप्त को सेंड्रोक्रोटस, जो कि विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त की पहचान जो है सेंड्रोक्रोटस से की थी, चंद्रगुप्त को सेंड्रोक्रोटस, एंड्रोक्रोटस भी है। बिंदुसार को, फ्रेंड बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है, ठीक है, यूनानी अभिलेखों के द्वारा, यूनानी अभिलेख जो पढ़ेंगे तो उनको बिंदुसार को अमित्रघात यानी कि शत्रुओं को नाश करने वाला बिंदुसार को कहा गया। अशोक, अशोक के कई अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया जाता है। चाणक्य को हम विष्णुगुप्त, चाणक्य का जो बचपन का नाम था वो विष्णुगुप्त था, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2314 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोक्रोटस, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी, चाणक्य को विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतिम मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, जालोक, अवंती वर्मा, नंदी वर्मन, बृहदत्त। तो हमारा आंसर क्या है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र सुंग के द्वारा कर दी गई थी जब ये सेना भ्रमण पर निकले थे देखने के लिए, उसी दौरान उनकी हत्या इनके सेनापति के ही द्वारा, पुष्यमित्र सुंग के द्वारा कर दी गई थी। और फिर मौर्य वंश के बाद अंतिम जो वंश बनता है, ब्राह्मण वंश जिसको कहते हैं, वो आपका सुंग वंश की स्थापना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कथन दिए हुए हैं और हमें सही कथनों को देखना है। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने की थी, ठीक है, पुष्यमित्र सुंग ने की थी। अंतिम सुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हत्या ले। देखिए अंतिम जो मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने की थी, बिल्कुल सही बात है। अंतिम जो सुंग राजा उसकी भी हत्या, जैसे इनके इन्होंने किया था ना मौर्य वंश के अंतिम शासक, उसी तरह जो सुंग वंश का अंतिम शासक था वो भी कहा जाता है काफ़ी अलोकप्रिय था, उसकी जो शासन व्यवस्था थी काफ़ी अच्छी नहीं थी, अयोग्य शासक था, तो उसी के सेनापति ने, उसी के मंत्री ने उसकी हत्या कर दी। तो देखिए अंतिम जो सुंग वंश का राजा था वो देवभूति था और उसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और अब उसने राज सिंहासन हत्या ली, ये भी सही है। आंध्र के कड़व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया डी, जो है हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईसा पूर्व सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। ध्यान रखिएगा ईसा पूर्व के शताब्दी का पूछा, ईसा पूर्व शताब्दी में देखिए हमने बात किया था ना गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था और सुदर्शन झील के निर्माण के जो हमें चर्चा मिलती है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चार शासकों की चर्चा की गई है और ये चार शासकों के बारे में ये पूछा है कि कौन से ऐसे दो शासक थे या कौन से ऐसे शासक थे जो ईसा पूर्व की शताब्दी में
जो गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था उस पर इन्होंने अपना या फिर जल संसाधन की व्यवस्था के आधार पर ध्यान दिया। तो ये जो ईसा पूर्व जो शताब्दी, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। ठीक है, तो देखिए महापद्मनंद, उन्होंने तो सुदर्शन झील से कोई संबंध नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन। तो फ्रेंड देखा जाए हमारा आंसर क्या है, 2 और 3। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हमने देखा वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का जो सौराष्ट्र में जो गवर्नर था जिसका नाम क्या था, विष्णुगुप्त वैश्य। ठीक है, विष्णुगुप्त वैश्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाता है और वो फिर क्या होता है वहाँ पे, तो ये ईसा पूर्व के समय। ठीक है, चूँकि इनका समय हम जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का समय क्या था, 321 या 22 से लेकर के 298 तक के बीच का समय चंद्रगुप्त मौर्य का था, ईसा पूर्व। अशोक आते हैं, अशोक ने भी अपने जो वहाँ का, अशोक के समय में जो वहाँ का गवर्नर था वो तुषाप था। ठीक है, तुषाप एक यवन गवर्नर था, तो तुषाप ने द्वारा वहाँ पे इस जो है सुदर्शन झील का निर्माण, पुनर्निर्माण किया जाता है, उसको मरम्मत की जाती है और वहाँ से एक क्या निकाला जाता है, एक सिंचाई व्यवस्था है, तो बांध का निर्माण करवाया जाता है। तो अशोक भी थे, उस सुदर्शन झील से संबंधित रुद्रदामन भी थे, लेकिन रुद्रदामन जो थे ईसा पूर्व नहीं थे, ये 150वीं ईस्वी के समय थे। ठीक है, और अंत में स्कंदगुप्त के भी द्वारा सुदर्शन झील का जो है था अपना निर्माण, पुनर्निर्माण कार्य करवाया जाता है। उस समय जो चकपालिक जो था वहाँ का गवर्नर हुआ करता था स्कंदगुप्त के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के उल्लेख मिलते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, उसी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें हमें अशोक के भी नाम पता चलते हैं या चंद्रगुप्त के भी नाम पता चलते हैं। गौतमी सतकर्णी के नाशिक प्रशस्ति से, महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, अशोक के गिरनार अभिलेख से, या फिर स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से। तो देखा जाए हमारा यहाँ पे आंसर है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, उस अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का ही उल्लेख मिलता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ये पहला संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है, जो कि यहाँ पे इसी में हमें चार शासकों के बारे में पता चलता है और सुदर्शन झील का निर्माण, जो कि काठियावाड़ क्षेत्र में, अगर इन डेप्थ और जाए तो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाता है, तो उसका निर्माण कार्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा शुरू किया जाता है, फिर अशोक मरम्मत, फिर उसके बाद रुद्रदामन, और फिर जो कि रुद्रदामन आपका शक शासक रहता है, और फिर उसके बाद आपका स्कंदगुप्त के द्वारा इसमें निर्माण कार्य करवाया जाता है। ठीक है, तो और आज का हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बराबर पहाड़ी की गुफा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के हमें अभिलेख जो है वो उत्कीर्ण मिले हैं। ठीक है, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित करने का हमें उल्लेख करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये अभिलेख ईसा पूर्व 6 शताब्दी के हैं, ये देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईसा पूर्व 6 शताब्दी के नहीं हैं ये। ईसा पूर्व जो बराबर की पहाड़ी की गुफाओं की बात करें तो ईसा पूर्व 2-3 शताब्दी के ये रखे थे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी जो था वो क्या था हमारा आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से हमारे जितने भी अभी तक के क्वेश्चन जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने अभी तक के जितने भी सारे क्वेश्चंस थे मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए, अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे आए, उनको भी डिस्कस किया, अच्छे से देखा, खासकर उनको एक्सप्लेन भी किया गया। तो फ्रेंड अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।